कांग्रेस की महिला नेता प्रतिभा अब आम आदमी पार्टी की नाव में सवार हो चुकी हैं। सबका आम आदमी पार्टी की आज की इस बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। आई वेलकम ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया टू आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे। आज एक बहुत बड़ी शख्सियत, अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ गोवा, एक ऐसी महिला शक्ति, एक ऐसी वुमन लीडर जिन्होंने एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी, एक पॉलिटिशियन के तौर पर भी गोवा, गोवंस और गोवंस के मुद्दों के लिए लगातार काम किया। बड़े बड़े पदों पे रहते हुए, बड़े बड़े ऑफिस बेयरर बनके ऑफिसेज होल्ड करते हुए काम किया और आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामने का, अरविंद केजरीवाल जी की इस आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होने का फैसला लिया है। मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा प्रतिमा बेट्सी को तीनों से, जो मेरे साथ बैठी हैं। ये कांग्रेस पार्टी की गोवा से एक बहुत बड़ी फेस, एक उनका बहुत बड़ा स्तंभ जिसने कांग्रेस पार्टी को गोवा में ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड करने में अपना इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया, जिन्होंने फोर फ्रंट पे रहते हुए लोकल इश्यूज को उठाया, जनता से, ग्रास रूट से कनेक्टेड रहते हुए लोगों के लिए काम किया और इसी के चलते इन्हें बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस कांग्रेस पार्टी में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिली, जिसके बारे में मैं आपको अभी कुछ ही देर में बताऊंगा। लेकिन अभी ये बताना भी जरूरी है कि आज प्रतिमा जी के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से आम आदमी पार्टी को गोवा स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे बेहद मजबूती मिलेगी एंड आई फील कि आम आदमी पार्टी का परिवार ऐसे ही लीप्स एंड बाउंड से बढ़ता रहेगा। प्रतिमा बेट्सी कुतिनो जी कांग्रेस पार्टी की गोवा में इस समय की महिला विंग की अध्यक्ष थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में महिला विंग प्रेसिडेंसी का दारोमदार संभाला। प्रतिमा जी यूथ कांग्रेस में इलेक्टेड प्रेसिडेंट रही गोवा स्टेट की 2010 से 2013, फ्रॉम 2010 टू 2013। गाजीपुर